चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। अर्थिंग की बात करेंगे आज हम, ठीक है। इतनी बात, अभी तक हमने अर्थिंग नहीं पढ़ा था, अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब अर्थिंग में क्या है हमारे पास? सबसे पहले अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट सोर्स ऑफ सोर्स और सोर्स फॉर या सोर्स ऑफ चार्ज। अर्थ को हम इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज मान सकते हैं, मतलब कितना भी चार्ज दे सकता है, और इनफाइनाइट सोर्स या इनफाइनाइट सिंक फॉर चार्ज। मतलब अर्थ एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर माना जाता है, जो कि कितना भी चार्ज दे सकता है और कितना भी चार्ज ले सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, अर्थ को आप कितना भी चार्ज दे सकते हो या कितना भी चार्ज उससे आप ले सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज उसके बाद बताता हूं क्यों ऐसा कर रहे हैं। एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ डू नॉट चेंज व्हेन इट गिव्स चार्ज और इट टेक्स चार्ज। अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं करता है अगर अर्थ चार्ज दे रहा है या अर्थ चार्ज ले रहा है, ठीक है। अभी सारी बातें बताऊंगा, ये तो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं अर्थ के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है। क्लियर है बात जो मैंने लिखी है? क्लियर है ये बात जो मैं लिख रहा हूं? अगर क्लियर है तो यस लिखो। मैंने क्या कहा, अभी इसका क्या रीजन भी बताऊंगा, अभी मैंने रीजन नहीं बताया इसका, ठीक है। पहले आप सुन लो, मैंने आपसे क्या कहा, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज, कितना भी चार्ज दे सकता है। अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट सिंक फॉर चार्ज, ठीक है। इतनी बात, इनफाइनाइट चार्ज अर्थ के अंदर आ सकता है, इनफाइनाइट चार्ज अर्थ से जा सकता है, और जब ये चार्ज एक्सचेंज होता है, ठीक है, अर्थ से जाता है या अर्थ में आता है, तो पोटेंशियल अर्थ का चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों, अब समझ लो एक मिनट। हम जो बॉडीज, जो हमारे कंडक्टर्स हैं, नॉर्मल कंडक्टर्स विच वी कंसिडर इन जनरल सिचुएशन ठीक है, अगर नॉर्मल कंडक्टर्स की बात करें जो हम नॉर्मल जनरल सिचुएशंस में कंसिडर करते हैं, दोज आर डायमेंशनली वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर्ड टू साइज ऑफ अर्थ। जो हम कंडक्टर्स जनरल लाइफ में पढ़ेंगे वो अर्थ के साइज से क्या है, काफी छोटे हैं, ठीक है। इतनी बात, अर्थ के साइज से काफी छोटे हैं। अब जरा इसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है। इतनी बात, आप ऐसे समझो कि हमारे पास ओशन है, ठीक है, हमारे पास ओशन है, ठीक है। इतनी बात, ओशन में हम कितना भी पानी डालें क्या लेवल ऑफ ओशन चेंज करेगा? अगर हम दो चार नदियां बढ़ा दें तो क्या लेवल ऑफ ओशन चेंज करेगा?
नहीं चेंज करेगा, ठीक है। इतनी बार, अब अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं ओशन से कुछ पानी निकाल लूं समंदर से, तो क्या लेवल ऑफ ओशन चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। तो सेम वे अगर कोई बहुत बड़ा कंडक्टर है, बहुत बड़ा मान लो अर्थ के साइज का, उससे आप थोड़ा सा चार्ज निकाल लो, ठीक है। इतनी बात देखो, अगर मैं कहूं कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर ई है, एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज के, चार्ज ऑन अर्थ क्यू ई अपॉन आर ई, आर ई बहुत बड़ा है, आर ई इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली आप क्या मान सकते हो, क्या मान सकते हो? जीरो मान सकते हो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ आप क्या मान सकते हो? जीरो मान सकते हो। यस और नो? यस और नो, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा चार्ज आ गया इसमें, क्यू की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, तब भी आर ही क्या है, इंफिनिटी है, तो भी पोटेंशियल क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। यस और नो, ठीक है। और थोड़ा सा चार्ज इसमें से चला गया तो भी अर्थ का पोटेंशियल क्या रहेगा, जरा बताओ? जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल सही बात है। अब क्या कहानी हमारे पास, इसका मतलब अर्थ क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है, इस वजह से अर्थ का पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, हमेशा के लिए क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इज व्हाट? इनफाइनाइट, बहुत बड़ा है। तो अगर हम क्यू ई में थोड़ा बहुत भी चेंज करें, तो रेडियस क्योंकि इन्फिनिटी है, तो वी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। उसमें चार्ज थोड़ा सा आए या चार्ज उससे थोड़ा सा जाए, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या है अर्थ के बारे में, अब कंक्लूजन की बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में। पहला कंक्लूजन, अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी कंडक्टर, अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी कंडक्टर, ठीक है इतनी बात। दूसरा, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज और इनफाइनाइट सिंक फॉर चार्ज। तीसरा, पोटेंशियल ऑफ अर्थ डू नॉट चेंज विद एक्सचेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ अर्थ डू नॉट चेंज विद एक्सचेंज ऑफ चार्ज, एंड वी ई इज इक्वल टू जीरो अज्यूम्ड, एक्चुअल में जीरो होता नहीं है लेकिन अज्यूम कर लिया क्योंकि रेडियस क्या है, अर्थ का बहुत बड़ा है, ठीक है इतनी बात। इन कंपैरिजन टू अदर कंडक्टिंग बॉडीज, ठीक है इतनी बात। अब कोई कह रहा है कि अगर हम कंडक्टर का साइज बहुत बड़ा लें, बेटा अगर कंडक्टर का साइज आप बहुत बड़ा लेते हो तो वैसा कंडक्टर फिजिकली रियलाइज आप नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ, अगर मैं एक मीटर का कंडक्टर, एक मीटर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर लेता हूं, तो एक मीटर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर आपके पूरे कमरे को घेर लेगा भाई, तो इतने बड़े कंडक्टर्स हम नहीं बनाते हैं, ठीक है इतनी बात। अब एक और चीज, ठीक है, प्लैनेट्स, भाई हम प्लैनेट के साथ कोई चार्ज एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं हर्षित, ठीक है इतनी बात। हम अर्थ के ऊपर ही जो भी करेंगे, ठीक है, ये थोड़ी मैं यहां से तार जोड़ूंगा कंडक्टिंग वायर और मार्स के साथ जोड़ूंगा, ऐसा होगा क्या? तो फिर ऐसे कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। अब एक चीज और भाई, एक चीज मैं देख रहा हूं, जब चैट बॉक्स चेक कर रहा हूं तो कुछ लोग आते जाते रह रहे हैं भाई, 10 बजे का टाइम होता है तो 10 बजे आपने क्लास ज्वाइन करनी और 11 बजे तक, जब तक क्लास चल रही है, आपने किसी ने आना जाना नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है इतनी बात। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है यार, आपको क्या समझ में आएगा अगर आप क्लास में ऐसे ही करते रहोगे बार बार, ठीक है। अब तो मैंने आपको तीन पॉइंट लिखा है, तीन पॉइंट क्या हमारे पास, अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी कंडक्टर, अर्थ इन्फाइनिट सोर्स ऑफ चार्ज है, इन्फाइनिट सिंक फॉर चार्ज है,
पोटेंशियल ऑफ अर्थ डू नॉट चेंज विद एक्सचेंज ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हमने अज्यूम करा हुआ है। ठीक, अब क्या कहानी हमारे पास, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब जरा इसको इसके एप्लीकेशंस लेके आते हैं। ठीक है, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस आर का, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे, यहां पर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रखा है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे यहां पर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रखा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अरे क्लियर है क्वेश्चन, यस और नो? चलो, अब क्या कहानी है, अब हमने क्या करा, इस स्फीयर को ये स्विच और ये अर्थ, अर्थिंग का सिंबल ऐसा है बेटा। अभी स्विच क्या है, ओपन है, अभी स्विच क्या है, ओपन। ठीक है इतनी बात, तो अभी अर्थ के साथ ये कंडक्टर कनेक्टेड नहीं है, तो क्या हो गया, सबसे पहले व्हेन एस इज ओपन कंडक्टर इज नॉट अर्थड। ठीक है इतनी बात, अब अगर प्लस क्यू चार्ज यहां पर है कंडक्टर के आसपास, तो इस कंडक्टर पे इंड्यूस चार्जेस भी आएंगे, हमने पढ़ा हुआ है, तो इधर की तरफ क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव, और इधर की तरफ क्या इंड्यूस होगा, पॉजिटिव, करा हुआ हमने ऐसा, ऐसा कुछ, दिस इज माइनस क्यू इंड्यूस, क्योंकि कंडक्टर कैसा था, न्यूट्रल था, तो अभी भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और इधर क्या, प्लस क्यू इंड्यूस्ड, और ये सेंटर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है या नहीं है, अगर क्लियर है यस लिखो। ठीक है, अब एक चीज देखो यार, कुछ चीजें हैं, अभी अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, ये बात क्लियर है, अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, पहले हम जब हमने अर्थिंग नहीं करी, पहले हम वो सिचुएशन देख लें, जब अर्थिंग कर लेंगे तब उसकी सिचुएशन देखेंगे। ठीक है इतनी बात, तो अब क्या कहानी है, ई इनसाइड कंडक्टर इज जीरो एवरीवेयर, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अंदर हर पॉइंट पे प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा, दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो, और क्योंकि नेट ई नेट इनसाइड कंडक्टर क्या है, जीरो है, पढ़ा हुआ हमने ऐसा, एक सवाल करा था याद है, अरे करा था कि नहीं करा था हमने ऐसा सवाल। ठीक है, अब इससे कंक्लूड क्या हो रहा है, इससे कंक्लूड ये हो रहा है कि ई इंड्यूस्ड माइनस ई ड्यू टू प्लस क्यू के बराबर है, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, और डायरेक्शन में प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या एग्जैक्टली अपोजिट है, ये बात क्लियर है या नहीं है, अरे ये बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब इससे एक और चीज कंक्लूड होती है कि V इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू V ऑन सरफेस सिंस कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल बॉडी, ये बात भी आती है कि नहीं आती है, कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल जो कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल उसके बराबर है, ये बात यस और नो? ठीक है यस। अब
अब एक चीज और देखते हैं बेटा, इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल होगा, यहां पे जो 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 होगा, सब जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, इतनी बात। अब यानी कि जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे होगा। ये बात भी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने क्या कहा, जो पोटेंशियल सेंटर ऑफ द कंडक्टर पे होगा वही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर हर जगह पर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? चलो बहुत बढ़िया, ऐसे लिख रहे हो आप। ठीक है, अब जरा देखो, तो जो पोटेंशियल कंडक्टर के सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर या सरफेस पे हर पॉइंट पे होगा। सो वी कैन से वी सी इज इक्वल टू वी इनसाइड या वी ऑन सरफेस, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, तो अब जरा देखो, अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, वी सी इज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इट इज ड्यू टू वी ड्यू टू प्लस क्यू प्लस वी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। यही कहानी है या नहीं है, जरा बताओ मुझे, यस और नो? क्योंकि जो VC होगा वो प्लस क्यू की वजह से भी होगा और इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी होगा। लेकिन अब एक मजेदार बात देखो, अगर मैं सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल देखूं, मैंने यहां पर छोटा सा माइनस डी क्यू इंड्यूस लिया, तो क्या होगा, माइनस के डी क्यू अपॉन आर, यहां पर लेता हूं प्लस डी क्यू, तो इसका कितना, प्लस के डी क्यू अपॉन आर, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ऐसी माइनस के डी क्यू अपॉन आर प्लस के डी क्यू अपॉन आर माइनस के डी क्यू आर डी क्यू अपॉन आर प्लस के डी क्यू अपॉन आर, सबके सबका इंड्यूस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेंटर पे जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर यस है तो यस लिखो। तो हम क्या कह सकते हैं, वी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट सेंटर इज जीरो, देयरफोर वी सी इज इक्वल टू वी ड्यू टू प्लस क्यू, यानी कि वी सी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, तो वी सी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। दिस इज पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इन साइड कंडक्टर या पोटेंशियल ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर, यस और नो? ठीक है, अब यहां तक बात हो गई हमारे पास। ठीक है, ये कब सिचुएशन थी, जब स्विच ओपन था, अर्थिंग नहीं हुई थी, तब की कहानी है। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको क्या कहते हैं, यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, अब जरा देखो, चलो अब हमें एक बात पता चल गई, ये मिटा दें सारा। चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, या मिटा ही देते हैं। अब आप देखो, व्हेन एस इज ओपन वी सी या वी इनसाइड या वी एस कंडक्टर का पूरे का पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन एक्स है, के क्यू अपॉन एक्स। यही कहानी है या नहीं है, हाँ या ना? ठीक है, जब S ओपन है, अब हम आगे बात करते हैं, अब हम स्विच को बंद करेंगे बेटा। नाउ S इज क्लोज्ड, S को क्लोज कर दिया, अब क्या कहानी है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो और कंडक्टर का पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन एक्स। विच वन इज एट हायर पोटेंशियल, विच वन इज एट हायर पोटेंशियल, कंडक्टर? अरे अर्थ का जीरो है और कंडक्टर का कितना है, के क्यू अपॉन एक्स, तो कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल। देयरफोर अब हम क्या कह सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से फ्लो करके किस में आए, अर्थ में आए, या हम ये कह सकते हैं
नेगेटिव चार्ज अर्थ से फ्लो करके किस पे आए, कंडक्टर पे आए, यस और नो बोलो भाई। अब मैं लिख देता हूं इस बात को, नाउ एस इज क्लोज्ड एंड ऑब्जर्व्ड दैट वी ऑफ कंडक्टर ग्रेटर देन वी अर्थ, ठीक है इतनी बात, और वी अर्थ हमेशा जीरो रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यह बात हमें पता है, ठीक है इतनी बात। तो मैंने क्या कहा, वी ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन वी ऑफ अर्थ। अब मेरी बात सुनो, एंड ऑब्जर्व दैट वी ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन वी ऑफ अर्थ। अब क्या इश्यू है बेटा, अब जरा देखो, नाउ वी कैन से पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ टिल बोथ हैव सेम पोटेंशियल। या तो हम ऐसे कह दें, या हम ऐसा कह दें, और नाउ वी कैन से नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर टिल बोथ हैव सेम पोटेंशियल। ये बात क्लियर है या नहीं है, अगर क्लियर है यस लिखो। हाँ आइदर होगा, कोई एक होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों होंगे, कोई भी मान सकते हो आप, चार्ज का फ्लो आपने पढ़ना है बस, ठीक है इतनी बात, आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो पढ़ते हैं, आप पॉजिटिव का पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है इतनी बात। मैंने पढ़ा किसका, कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, कंडक्टर के ऊपर आ रहा है, कब तक आ रहा है, जब तक कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। अब एक बात बताओ, अर्थ का पोटेंशियल तो हमेशा के लिए जीरो है या नहीं है, अगर अर्थ का पोटेंशियल हमेशा के लिए जीरो है तो नेगेटिव चार्ज कंडक्टर पे तब तक आता रहेगा जब तक कंडक्टर का पोटेंशियल खुद क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता, यस और नो। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस वी ई इज जीरो ऑलवेज, देयरफोर नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर टिल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम्स जीरो। नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर टिल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम्स जीरो। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है चलो अब कर लेते हैं भाई। मान लेते हैं अर्थ से कितना चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज प्लस क्यू ई। अब मैं वो भी मान नहीं रहा हूं, अपने आप क्यू ई नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है बेटा। मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, अपने आप ही क्यू ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें, मैं कह रहा हूं आप माइनस क्यू ई मान लेते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैं प्लस क्यू ई मानता हूं, अपने आप क्या कहते हैं प्लस क्यू ई, अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है चलो। अब जो चार्ज अर्थ से आया प्लस क्यू ई आया, कंडक्टर के कहां पर आएगा, सर्फेस पे, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा कंडक्टर के कहां होता है, सर्फेस पे होता है, ये बात क्लियर है कि नहीं। अब V of conductor is zero and this V of conductor is center पे ही potential देख लेते हैं, conductor का potential जो center का होगा वही हर जगह होगा, ये बात clear है, हमने पढ़ा हुआ है कि conductor के अंदर हर point क्या होता है, same potential पे होता है, तो हम center का potential देख लेते हैं। V of conductor is zero, that is
वी सी ऑफ कंडक्टर इज जीरो फाइनली। अब जीरो इज इक्वल टू, एक तो सेंटर का पोटेंशियल इसकी वजह से वी ड्यू टू प्लस क्यू एट सी प्लस वी ड्यू टू प्लस क्यू ई जो अर्थ ने भेजा है, जो अर्थ ने क्या करा है भेजा है, क्लियर है। और इन दोनों का सम किसके बराबर है, जीरो के बराबर। यह बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, जीरो इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स, और जो अर्थ का चार्ज आया वो सारा कहां आया, सरफेस पे। अगर मैं यहां पर छोटा सा प्लस डी क्यू ई लेता हूं तो कितना आएगा सेंटर पे, के डी क्यू ई अपॉन आर, फिर प्लस के डी क्यू ई अपॉन आर, अगला वाला फिर प्लस के डी क्यू ई अपॉन आर, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू ई अपॉन आर। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब k से k कट गया, k गायब हो गया, क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू आर अपॉन एक्स, इतना चार्ज अर्थ ने किसको सप्लाई करा, कंडक्टर को। नेगेटिव भी आ गया, देखो इतना नेगेटिव चार्ज अर्थ ने किसको सप्लाई करा, कंडक्टर को। क्लियर है सबको? अब इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे देखो, एक मिनट। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस चार्ज को मैंने v कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी, क्या दे दी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी आगे बढ़ रहा है, अगर आगे बढ़ रहा है बेटा तो एक बात तो x क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आगे बढ़ रहा है तो x की वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है। x की वैल्यू अगर घट रही है तो जो चार्ज अर्थ से आ रहा है वो क्या कर रहा है, बढ़ेगा मैग्नीट्यूड में कि नहीं, यस और नो? और अगर ये कॉन्टिन्यूसली आता जा रहा है तो चार्ज अर्थ से कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा, ताकि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या मेंटेन कर सके, जीरो। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक एमीटर लगा देता हूं तो एक बात बताओ, अगर मैंने यहां एमीटर लगा दिया तो कॉन्टिन्यूसली इस तार में चार्ज ऊपर जाता जा रहा है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज ऊपर जाता जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अब तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये आगे बढ़ता जाए तो x की वैल्यू घट रही है तो QE का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कॉन्टिन्यूसली, x की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली घट रही है तो QE का मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा, मतलब चार्ज ऐसे करके नेगेटिव चार्ज ऊपर जाता रहेगा, और नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता रहेगा तो इस तार में कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज व्हाट, करंट। तो अगर मुझे एमीटर में रीडिंग बतानी थी करंट की तो I इज इक्वल टू डी क्यू ई अपॉन डी टी, डी क्यू ई अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दें इसे, तो I इज इक्वल टू बेटा Q और R कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, एंड वॉट इज डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज वॉट V। तो I किसके बराबर हो गया, I हो गया Q R अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी। हाँ, डायरेक्शन करंट की किधर होगी, नीचे होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, अगले चैप्टर में हम पढ़ लेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अर्थिंग के और 5-6 सवाल करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होगा मैं पूरी बुकलेट डिस्कस करूंगा, ठीक है, इतनी बात, और अपनी तरफ से भी इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन कराऊंगा। गगनदीप भारद्वाज को समझ में नहीं आया, गगनदीप क्या समझ में नहीं आया ये बता, हर्षित डायरेक्शन बता देता हूं, पहले सुन ले। अगर नेगेटिव चार्ज अर्थ से ऊपर जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के क्या होती, उल्टी होती है, तो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अब गगनदीप तेरी क्या समस्या है, पिछला अगर मैंने क्यू ई चार्ज जो फ्लो कर रहा था वो निकाल दिया, ठीक है, इतनी बात, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट, करंट। तो डी क्यू ई अपॉन डी टी क्या होगा, करंट होगा, डिफरेंशिएट कर दो से आपको आंसर मिल जाएगा सीधे सीधे। अब हालांकि करंट वाली बात हमें अगले चैप्टर में करनी है, मैंने यहां भिड़ा दी सीधे। अब अगला क्वेश्चन देखो,
दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है। इसका रेडियस ए और इसका रेडियस बी। इसमें केस वन, कई सारे केसेस बनाएंगे। अंदर वाले को हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, अंदर वाले को हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, ठीक है, बाकी कहीं चार्ज नहीं दिया, ठीक है। तो अंदर वाले को चार्ज दिया तो वो सारा चार्ज, क्योंकि कंडक्टर है, कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे, तो प्लस क्यू इनर स्फीयर के सरफेस पे सारा का सारा चार्ज आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। अब तो ये प्लस क्यू चार्ज सारा का सारा इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली आ जाएगा, क्योंकि रेडियस स्फेरिकल कंडक्टर है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। अब पहले हम पढ़ते हैं, इफ एस इज ओपन, एस अगर ओपन है, पहले उसकी बात कर ले। तो अब जरा देखो, इस प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सरफेस से कैसे निकलेंगी, नॉर्मली निकलेंगी, तो रेडियली निकलेंगी, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी। दूसरे कलर से बना देता हूं इलेक्ट्रिक लाइंस को, कंडक्टिंग शेल्स, ठीक है, इतनी बात। अब ऐसे, अब अगर प्लस क्यू से लाइंस निकली और इनर सरफेस पे खत्म हो रही है, तो यहां पर क्या इंड्यूस हुआ, सारी लाइनें खत्म हो गई इस पे, तो कितना इंड्यूस हो गया, माइनस क्यू इंड्यूस। अब क्योंकि ये वाला कंडक्टर न्यूट्रल था, तो आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, अब आउटर सरफेस से भी लाइंस निकलेंगी ऐसी, कितनी, उतनी लाइनें निकलेंगी। सारी चीजें एनालाइज किया करो बेटा, तब आपको शायद कुछ क्लैरिटी आएगी। अगर कोई भी चीज आप एक चीज स्किप करते हो तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ऐसे अब अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, जीरो या नहीं, छोटे वाले स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। अब अगर मैं इस जगह पे कहता हूं बेटा x दूरी पे यहां पर, तो जरा देखो अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है, प्लस क्यू है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इसमें, अगर दिक्कत है तो यस लिखो भाई, सॉरी दिक्कत है तो नो लिखो। हर्षित विरमानी माइनस से, हर्षित मुझे तेरी बात समझ में नहीं आई, क्या लिख रहा है, एक मिनट में चैट बॉक्स चेक कर लूं, रुक जाओ ढक्कन आदमी। माइनस इंड्यूस था, अंदर क्यों आएगा, उसकी वजह से, वो तो इस प्लस क्यू की वजह से आया है। और एक बात बता, इसकी लाइंस यहां खत्म हुई हैं, तो यहां पर कितना चार्ज होना चाहिए, माइनस क्यू इंड्यूस होना चाहिए, और माइनस क्यू इंड्यूस किसके बराबर है, माइनस क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस क्यू, और जो प्लस क्यू इंड्यूस है किसके बराबर है, प्लस क्यू, क्योंकि जितनी लाइनें इसने भेजी वो सारी यहां पर क्या हुई, खत्म हुई। अरे बात क्लियर है कि नहीं हर्षित, बात क्लियर तो यस लिखो फटाफट। इस प्लस क्यू से लाइनें वहां पर खत्म हुई हैं, तो वहां कितना चार्ज आना चाहिए, माइनस क्यू आना चाहिए, जहां पर लाइनें खत्म होती हैं और जितनी लाइनें खत्म होती हैं उसी हिसाब से वहां पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो अब
अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं आता हूं बाहर किसी पॉइंट पे, यहां पर एक्स दूरी पे, तो जरा देखो अगर मैं यहां गॉसियन सरफेस बनाऊं तो दिस प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू टोटल जीरो हो गया, बचा कौन सा, ये वाला प्लस क्यू। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, और ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर क्लियर है। तो मैं एक और डायग्राम बना लेता हूं छोटा साइड में, मैं लाइंस नहीं बना रहा हूं। हमारे पास ये ए रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर और ये कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल बी रेडियस का, इसको हमने प्लस क्यू दिया, तो यहां माइनस क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू प्लस क्यू, यहां ई जीरो, यहां पर ई के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और अगर मैं यहां बात करूं बाहर एक्स दूरी पे, तो यहां पर भी कितना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज व्हाट ई। ठीक है, इतनी बात। और अभी स्विच क्या है, ओपन है, ये बात हो गई। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो चैट बॉक्स में फटाफट, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं वरना मुझे खत्म करने को 2 मिनट लगता है इसे। अब आ जाओ, अब रुको 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 रुको, अब हम पोटेंशियल की बात भी कर लें। एस ओपन वाली सिचुएशन में आप अगर कंडक्टर के बाहर इस जगह पे पोटेंशियल की बात करो, ठीक है इतनी बात, इस जगह पे पोटेंशियल, तो इस जगह पे पोटेंशियल देखो, ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस बी है और बाहर बात कर रहे हैं, तो बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था के क्यू अपॉन एक्स। तो यहां पर पोटेंशियल अगर देखें तो इसकी वजह से प्लस के क्यू अपॉन एक्स, इसकी वजह से माइनस के क्यू अपॉन एक्स, दोनों कैंसिल कर गए, इसकी वजह से कितना, के क्यू अपॉन एक्स। तो यहां पर पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन एक्स। अब अगर मैं सरफेस पे आ जाऊं इसके आउटर वाले के, वी आउटर इनिशियली एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, बी हो गई, तो कितना हो गया के क्यू अपॉन बी, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बी, एंड इट्स पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन बी, यस ऑर नो? ठीक है चलो, अब आ जाते हैं हम अंदर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सपोज, चलो इसको हमने कहा पॉइंट पी। ठीक है अपनी बात, एट पी। अब एक बात, तो अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही उसके अंदर पोटेंशियल होता है ड्यू टू चार्जेस, तो इसकी वजह से के क्यू अपॉन बी यहां पर, इसकी वजह से माइनस के क्यू अपॉन बी यहां पर, दोनों का क्या हो गया जीरो, यस और नो? दोनों का क्या हो गया जीरो, हो गया कि नहीं हो गया उन दोनों का? अगर यस है तो यस लिखो, ठीक है, इन दोनों का क्या हो गया जीरो, लेकिन इसकी वजह से के क्यू अपॉन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया, वी इज के क्यू अपॉन एक्स, वी इज के क्यू अपॉन एक्स। क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो यस लिखो। अब अगर मैं सरफेस पे आ जाऊं यहां पर, तो यहां पर पोटेंशियल वी इनर इनिशियली इज के क्यू अपॉन ए, के क्यू अपॉन ए, और अंदर भी हर पॉइंट पे क्या होगा, वी विल बी के क्यू अपॉन ए, क्योंकि जो सरफेस पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है। सारे पोटेंशियल देख लिए हमने कि नहीं देख लिए? अरे देख लिए हर जगह, हर जगह में पोटेंशियल क्लियर है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब आप एक चीज देखो, इतना हो गया हमारे पास, अब हम क्या करना चाहेंगे, अर्थिंग करना चाहेंगे। अच्छा एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं, आप एक मजेदार बात देखो, इंड्यूस चार्जेस ने ना, इन दोनों इंड्यूस चार्जेस ने, माइनस क्यू और प्लस क्यू ने, ना कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, ना कहीं पर इन दोनों के पोटेंशियल का कोई रोल है,
चेक करो है कोई रोल इनके पोटेंशियल का या इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी जगह पर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो ड्यू टू दिस चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है इतनी बात। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। अब यहां पर पोटेंशियल देखो, के क्यू अपॉन एक्स इसकी वजह से, यहां पर पोटेंशियल देखो के क्यू अपॉन एक्स इसकी वजह से, ठीक है इतनी बात। तो इंड्यूस चार्जेस ने कोई भी पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी रोल प्ले नहीं किया है, ये बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो लिखो यस, ठीक है। अब ये कहानी हो गई। अब हम अर्थ किसको कर रहे हैं, आउटर सरफेस को, अर्थ किसको कर रहे हैं, आउटर सरफेस। आउटर सरफेस का पोटेंशियल के क्यू अपॉन बी है जो हमने स्विच ओपन रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहता हूं, वी इनर इन सरफेस का इनिशियली माइनस वी आउटर सरफेस का इनिशियली, जरा देखो कितना है, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी, यानी कि वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, वेन कुछ बढ़िया सी बात आएगी, एस ओपन, जब एस क्या है ओपन है, पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी है दोनों सर्फेसिस के बीच में जब एस ओपन है, क्लियर है बात। बेटा आउटर सरफेस की बात कर रहा हूं भाई, यहां पर बाहर तो के क्यू अपॉन एक्स है लेकिन सरफेस पे आओगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, बी हो गई, तो सरफेस पे कितना है, के क्यू अपॉन बी है। गगनदीप थोड़ा सा अटेंटिव रहा कर, ठीक है। अब जरा देखो, अब हमारे पास क्या है, एस ओपन, तो हमारे पास दो चीजें हैं, वी आउटर सरफेस इनिशियली इज के क्यू अपॉन बी एंड v इनर इनिशियली माइनस v आउटर इनिशियली इज के क्यू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी। ये s ओपन पे ये सिचुएशन था, अब मैं मिटा रहा हूं। एक्चुअल में अर्थिंग के दौरान हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, सिर्फ पोटेंशियल से लेना देना होता है, लेकिन मैं बार बार दोनों चीजें क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, सारी चीजें समझ में आ जाए। अब Now, S is closed. अब एक बात तो, V outer initially, अर्थ का पोटेंशियल क्या है, हमेशा के लिए जीरो है। V outer initially is greater than V earth. हाँ या ना, आउटर सरफेस का पोटेंशियल इनिशियली S क्लोज होने से पहले अर्थ के पोटेंशियल से ज्यादा है, यस और नो? तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू आउटर सरफेस टिल V outer finally becomes equal to VE, that is zero. ये बात आती है कि नहीं आती है, यस और नो? चलो तो मान लिया पॉजिटिव चार्ज आया कितना, प्लस QE, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ये आउटर सरफेस पे आया, आया ऐसे, ठीक है इतनी बात। अब आउटर का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, तो V outer finally is what, zero, ठीक है। अब किस किस की वजह से है, इसकी वजह से आउटर का पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन बी, बी डिस्टेंस पे है, स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज प्लस क्यू है, कंडक्टर है, तो बी डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, उसकी वजह से के क्यू अपॉन बी, प्लस के क्यू अपॉन बी माइनस के क्यू अपॉन बी, इनका तो कोई रोल ही नहीं था, इसकी वजह से प्लस के क्यू ई अपॉन बी, सरफेस का ही बताना है, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। K अपॉन बी कट गया, तो QE इज इक्वल टू व्हाट, माइनस क्यू, QE इज इक्वल टू माइनस क्यू,
क्लियर है, क्यू किसके बराबर हो गया, माइनस क्यू के, यस और नो? बहुत बढ़िया, क्यू की वैल्यू माइनस क्यू आ गई। तो अर्थ ने कितना चार्ज सप्लाई करा, माइनस क्यू ऑन आउटर सरफेस ऑफ, क्या कहते हैं, कंडक्टर। अब मजेदार बात देखो, अब ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया चीज है, फाइनल अरेंजमेंट देखते हैं। हमें फाइनल सिचुएशन भी एनालाइज करनी आनी चाहिए। इसके ऊपर प्लस क्यू था, यहां माइनस क्यू था, यहां जीरो हो गया। क्यों हो गया जीरो? माइनस क्यू प्लस क्यू बिकम्स व्हाट, जीरो, यस और नो? ठीक है, और ये अर्थ हो रखा है। ऐसा अरेंजमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो अब मजेदार बात देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई? अरे हां या ना? अरे यस बोलो, हर्षित के अलावा कोई जवाब नहीं देता है। ठीक है, अब अगर मैं बाहर बात करूं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों? क्योंकि बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं जा रही। देखो इस प्लस क्यू की सारी लाइनें अंदर यहां माइनस क्यू पे खत्म हो रही है, लेकिन यहां से बाहर से कोई भी लाइन नहीं निकलेगी क्योंकि चार्ज ही नहीं है। या गॉस लॉ लगा लो, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना लो स्फेरिकल, तो चार्ज इनक्लोज टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अरे ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक है, अब ये बात हो गई। चलो इतनी बात हो गई, अब थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में बात कर लें। ठीक है, यहां पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो दैट इज के क्यू अपॉन एक्स इस जगह पर, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, वी आउटर फाइनली इज व्हाट, जीरो। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अंदर यहां पे पोटेंशियल देखें, वी नहीं बेटा, यहां के क्यू अपॉन एक्स नहीं होगा पोटेंशियल। आप इसके सरफेस का पोटेंशियल देखो, वी इनर वाला फाइनली, इसकी वजह से वी इनर फाइनली इज के क्यू अपॉन ए, जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही सरफेस, और इसका माइनस के क्यू अपॉन बी। ये क्लियर है या नहीं है? मैंने क्या कहा, इनर सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी, क्योंकि इसके सरफेस पे जो इस वाले चार्ज की वजह से जो यहां पोटेंशियल होगा, जो ये सरफेस देखो, जो नेगेटिव चार्ज यहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर हर जगह पर पोटेंशियल क्या होता है, उसकी वजह से के क्यू अपॉन रेडियस होता है, तो के क्यू अपॉन रेडियस, रेडियस इज व्हाट, बी। ठीक है, तो अब जरा देखो मजेदार बात, अगर मैं अगेन पोटेंशियल डिफरेंस देखूं इन दोनों का, तो इसी के बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया अभी भी, यस और नो? बहुत बढ़िया, ठीक है इतनी बात। तो ये हमारे अर्थिंग के दो सवाल हुए आज, और देखो कितने डिटेल में हमने दोनों सवाल लिए, ठीक है इतनी बात। अब मैं क्या करूंगा, अगली क्लास में अर्थिंग के और सवाल करूंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करूंगा। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना कि अब मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल डीपीपी में देने वाला हूं, और ज्यादा नहीं दूंगा, 10 सवाल दूंगा, 10 के 10 के सॉल्यूशन मुझे ग्रुप में चाहिए। जितने भी आप सवाल पूछते हो सब ग्रुप में पूछे जाने चाहिए, और ग्रुप में अगर मुझे, जैसे मैं हर्षित हूं, मुझे दो सवाल आते हैं, किसी ने एक सवाल पूछा तो उसका सॉल्यूशन आप डाल दो, ठीक है, ताकि मेरे पास बचे कम। क्लियर है, 10 से 15 सवाल रोज डालूंगा, अच्छे वाले जो आपको होने में ना तंग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो